क्या कल की अवतार जन्म ले चुका है? क्या इस बार कलयुग के अंत से पहले ही कल की धरती पर आ चुका है? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इस सारी की सारी घटनाओं के बारे में और जिक्र करेंगे कल की अवतार का, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि कल की अवतार ने जन्म ले लिया है। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे के संकेत। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, हम कई बार सुनते आए हैं जब कल की भगवान का अवतार होगा तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी, तब भगवान शिव भी आकर अपना रुद्र रूप दिखाएंगे और हनुमान जी उनका साथ देंगे और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर से ब्रह्मांड की शुरुआत होगी। कई बार अपने घरों के बड़ों से आपने ये बातें सुनी होंगी, लेकिन ये कल की भगवान का अवतार कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भविष्य में कल की अवतार का अवतार होना लाजमी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भविष्य में भगवान विष्णु का यह अवतार जरूर जन्म लेगा जो बुराई का अंत करेगा। इसके अलावा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं उसे बचाने आऊंगा, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, धर्म को हानि पहुंचाने वाले दुष्टों का मैं नाश कर दूंगा। ये भी माना जा रहा है कि कल की अवतार होने पर बुराई का नाश होगा। तो क्या सचमुच कल की अवतार जन्म ले चुका है? दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की त्रिवेणी संगम स्थल यानी कि राजस्थान के वांगड़ अंचल के डूंगरपुर जिले में सांबला गांव में हरि मंदिर है जहां कल की अवतार की पूजा हो रही है। खैर जो भी हो, लेकिन अब कल की अवतार के संकेत भी दिखने लगे हैं। हम आपको बता रहे हैं कल की अवतार के कुछ खास संकेतों के बारे में। कल की अवतार का उत्तराधिकारी कुंभ राशि में देखा गया है। कुंभ राशि का संकेत है कि भगवान अजय होगा और प्रारंभिक जीत हासिल होगी। वहीं चंद्रमा और सूरज की ज्योतिषीय स्थिति भगवान के आगमन के दौरान चंद्र घनिष्ठ नक्षत्र में समृद्धि का प्रतीक, प्रसिद्धि और त्वरित कार्रवाई होगी और सूर्य स्वाति नक्षत्र में होगा। वहीं कल की अवतार के समय मुख्य ग्रहों की ज्योतिष स्थिति में भी बदलाव हो रहा है। महत्वपूर्ण जुपिटर नक्षत्र अष्टा नक्षत्र में होगा। न्याय के लिए शनि ग्रह तुला में प्रवेश करेंगे। जब पृथ्वी पर संकट बढ़ जाएगा, हर और मनुष्य जाति बीमार पड़ रही होगी, तब कल की अवतार होगा। तो ऐसे में क्या कल की अवतार ने जन्म ले लिया है? क्योंकि इस समय दुनिया की सबसे भयंकर महामारी चल रही है यानी कि कोरोना वायरस, जिसका अंत नजर नहीं आ रहा है। ये छूने से फैलता है, साथ ही धीरे धीरे कोरोना वायरस के जो लक्षण है यानी कीटाणु है या जो वायरस है वो लगातार अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कल की अवतार जन्म ले चुका है? बहुत से ऋषि और अनुयायी ये मान रहे हैं कि कल की अवतार ने जन्म ले लिया है और इस समय वो बिल्कुल सटीक समय ढूंढ रहा है जब वह अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये भी बिल्कुल किसी सुपर हीरो की कहानी जैसे लगता है कि एक सुपर हीरो का जन्म हुआ है, धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है और आखिरी समय पर आकर जब दुनिया को जरूरत होती है तब वह सुपर हीरो अपनी झलक दिखाता है। वैसा ही कुछ शायद कल की अवतार भी करेगा, क्योंकि हिंदुओं के खास कैलेंडर और नक्षत्र को देखते हुए यह साफ लग रहा है कि कल की अवतार ने जन्म ले लिया है। कहां लिया है, कैसे लिया है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन वक्त आने पर कल की अवतार अपना रूप जरूर दिखाएगा और उस समय सिर्फ और सिर्फ अधर्म का नाश होगा और बुराइयों का अंत होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।